देश की राजधानी नई दिल्ली में G20 समिट होने वाला है। 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में कदम ताल करेंगे। वसुधैव कुटुंबकम वाले देश की मेजबानी का आनंद लेगा। सोचिए, जब शक्तिशाली देशों में 20 देश के नेता प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे तो हमसे जलने वाले भी इस उत्सव में खलल डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये मोदी का भारत है जो विदेशी धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करना जानता है, जो दुश्मनों के जबड़े से जीत छीन कर ला सकता है। और दिल्ली में होने वाली इस बैठक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस बार NSG करेगी। NSG की कदम ताल को देखकर ही दुश्मन की हिम्मत जवाब दे देगी। इस समिट को सफल बनाने के लिए NSG अपनी पूरी एक्सपर्ट टीम को तैनात करने जा रहा है। NSG को भारत की टॉप और सबसे सुसज्जित फोर्स माना जाता है। NSG अपनी पूरी एंटी टेरर, एंटी सबोटाज, एंटी ड्रोन टास्क, हाउस इंटरवेंशन, स्नाइपर्स टीम को तैनात करेगा। इसके अलावा केमिकल अटैक्स रोकने वाले टीम और बम निरोधक दस्ते भी सुरक्षा में लगाए जाएंगे। NSG अपने फेमस ब्लैक कैट्स को स्ट्रेटेजिक स्थानों पर तैनात करेगी, जहां से वो किसी भी संभावित अटैक के केस में मिनटों में रिएक्ट कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो G20 के दौरान किसी भी खतरे से निपटने के लिए कई प्लान्स तैयार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, NSG, SPG समेत कई एजेंसियां सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखेंगी। आपको बताते हैं, दिल्ली में जब G20 समिट हो रहा होगा तो NSG कैसे काम करेगी। NSG न सिर्फ किसी भी अटैक के केस में सबसे पहले पहुंचने वाली टीम होगी, बल्कि दिल्ली पुलिस को बैकअप भी देगी। जिन जगहों पर विभिन्न देशों के अध्यक्ष रहेंगे, वहां NSG की टीमें तैनात की जाएंगी। NSG की हाउस इंटरवेंशन टीम HIT अपनी पोजीशन लेगी। इतना ही नहीं, स्नाइपर टुकड़ियां किसी भी तरह की टेरर एक्टिविटी को बेअसर कर सेकंड्स में एक्शन लेंगी। NSG के बम निरोधक दस्ते सभी महत्वपूर्ण बैठक स्थलों के साथ साथ प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों के रुकने वाली जगहों पर एंटी सबोटाज चेक करेंगे। NSG का बम निरोधक दस्ता G20 समिट के दौरान किसी भी बम से जुड़ी सूचना पर तुरंत रिएक्ट करेगा। ये टीम रिमोटली ऑपरेटेड वाहनों और टोटल कंटेनमेंट वाहनों से लेस होगी। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुरक्षा के बीच तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो आपको बता दें कि अगर दिल्ली में कोई संभावित ड्रोन अटैक भी होता है तो उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। इतना ही नहीं, किसी भी केमिकल हमले के लिए भी तैयारियां की गई हैं। NSG, IAF, ATC और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर किसी भी संभावित ड्रोन अटैक से निपटने के लिए भी काम करेगी। इसके अलावा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु विस्फोटक CBR एनी इंटरवेंशन से निपटने के लिए भी कई क्षमताओं वाली टीम्स को तैनात किया जाएगा। ये तो बाहरी सुरक्षा की बात हो गई। अब आपको बताते हैं, VVIP के सुरक्षा घेरे को कौन देखेगा। दरअसल G20 समिट के दौरान पूर्व NSG अधिकारी VVIPs की सुरक्षा संभालेंगे। सरकार ने समिट के मौके पर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए पहले ही स्पेशल SPG और NSG अधिकारियों को वापस बुलाया है। ये अधिकारी VVIPs के काफिले की सुरक्षा और कवर प्रदान करेंगे। ये पूर्व अधिकारी देश की विभिन्न फोर्सेज और पुलिस में तैनात है। सरकार ने सभी बलों से उन अधिकारियों को तैनात करने के लिए तैयार रहने को कहा है जिन्होंने इन दो विशिष्ट सिक्योरिटी टीमों में काम किया है। NSG की सुरक्षा घेरे को कोई भी नहीं तोड़ सकता। ऐसे में G20 समिट का इंतजार सबको है, जब भारत अपनी ताकत विश्व को दिखाएगा और आर्थिक सशक्तिकरण से खुद को सुदृढ़ करेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।